अब खबरें विस्तार से। आरक्षण के विरोध में आहूत भारत बंद का शहर में कोई प्रभाव नजर नहीं आया। मुट्ठी भर बंद समर्थक रोड पर जरूर निकले पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हाँ, लंबी दूरी की बसों के परिचालन पर असर जरूर देखा गया। आरक्षण हटाने की मांग को लेकर आहूत भारत बंद का असर शहर में नहीं पड़ा, जनजीवन सामान्य रहा। पवन पांडे के नेतृत्व में मुट्ठी भर बंद समर्थक जरूर सड़कों पर उतरे मगर उन्हें देखकर ऐसा ही लगा मानो उन्होंने सिर्फ औपचारिकता पूरी की और उनका मकसद फोटो खिंचवाना भर था। मानगो पुल के पास से ही उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। आज देशव्यापी बंदी है आरक्षण के विरोध में, उसी के तहत आज हम लोग शांतिपूर्ण बंदी कराने निकले हैं, जिसका परिणाम है कि स्वतः पूरा भारत जो है पूरा देश बंद है और हमारा जमशेदपुर भी आज बंद है। ये हमारे मांग का समर्थन है और हम लोग शांति अपील कर रहे हैं कि सरकार चेते और जिस प्रकार से आरक्षण ने गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है देश में, अब उससे इस देश को छुटकारा दिलाने का समय आ गया है। सरकारों को इस पर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द अविलंब इस आरक्षण को खत्म करना चाहिए। हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे हैं, बंदी कर रहे हैं, आपका फोटो खिंचा रहे हैं, हम आपका पते गिरफ्तारी कर रहे हैं। लंबी और मध्यम दूरी की बसों के परिचालन का जहां तक सवाल है, कुछ बसों का परिचालन नहीं हुआ और बिहार बंगाल में बंद के असर को देखते हुए उस दिशा में जाने वाली बसों के पहिए नहीं हिले। चाईबासा, पोटका, रांची, धनबाद जाने वाली मध्यम दूरी की कुछ बसों का परिचालन जरूर हुआ पर बंद को देखते हुए यात्रियों की कमी के कारण कई बस पड़ाव पर ही खड़े रहे। मानगो बस पड़ाव से मध्यम और लंबी दूरी की करीब 300 बसों का परिचालन प्रतिदिन होता है। क्या स्थिति है? पर डे 100 से ऊपर गाड़ी चलती है हमारे बस स्टैंड से यहाँ से। तो आज क्या मतलब बंदी का असर है क्या? बंदी तो ऐसा बंदी दिख नहीं रही है। हमारे टाउनशिप में सभी गाड़ी चल रही है लेकिन पैसेंजर कम है। सुनाना हो गया कि क्या कारण है क्या? ये मीडिया के द्वारा जो फैलाया हुआ भारत बंद। क्यों अभी तक दो गाड़ी तीन गाड़ी निकली है? अभी तक अच्छा तीन गाड़ी निकली है, गाड़ी लगी हुई है। पैसेंजर होगा तो फिर जाएगी गाड़ी, तो पैसेंजर आने पर गाड़ी जाने के लिए खाली गाड़ी तो जाएगा नहीं, गाड़ी जाएगा। बंदी का असर दिख रहा पूरा? हाँ, बंदी का असर दिख रहा है। इसे चाईबासा उड़ीसा टोटल बंद है, उधर कोई गाड़ी नहीं चल रहा है। मानगो रोड नंबर 15 स्थित खुर्शीद अनवर के आवास में बीती रात चोरी की घटना हुई। मकान मालिक परिवार सहित शहर से बाहर है। शहर व आसपास संगठित चोरी की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। चोर बंद पड़े घरों को निशाने पर ले रहे हैं, जाहिर है उन तक कोई सूचना भी पहुंचा रहा है। मानगो 15 नंबर रोड समता नगर के रहने वाले खुर्शीद अनवर परिवार सहित शहर से बाहर गए हैं। उनके चालक के पास घर की चाबी थी मगर बीती रात चालक आवास पर ताला लगाकर अपने घर चला गया था। सुबह लौटने पर उसने ताला टूटा पाया। चोरों ने हर कमरे में सामानों को खंगाला है और कीमती सामान चुरा लिया। खुर्शीद को सूचना दे दी गई है, उनके लौटने पर ही पता चल पाएगा कि घर से कितने जेवर और नकद चोरी चले गए हैं। क्या जानकारी मिली थी? हमारे पास से जानकारी मिली कि 15 नंबर रोड समता नगर में गैस गोदाम के सामने के मकान में चोरी हुई। उसे सत्यापन के लिए वहाँ पहुँचे तो देखे चार रूम में सब ताला टूटा हुआ है। अंदर गोदरेज का ताला टूटा हुआ है, इतना कपड़ा स्वर समोसा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था और चोर जो है संभवतः मेन गेट से घुसा, मेन गेट का ताला टूट कर घुसा है। जिनका घर है वो क्या नाम है और कहाँ वो गए हुए हैं? उनका नाम अभी लिख के नहीं दिया है। खुर्शीद आलम। कहाँ गए हैं वो? शायद वो बंगलोर गए हैं, लड़का के पास गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन देव।
आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? हम इनके ड्राइवर हैं। अच्छा, तो आप ये लोग कहाँ गए थे? ये लोग बिहार शरीफ बेंगलोर गए। अच्छा, तो ये किनके जिम में? मेरे जिम में। आप यहाँ रहते हैं? हम यहाँ सोते हैं। अच्छा, फिर आपको कल कौन सोया? कल हम नहीं सोए। क्यों, क्या कारण था? हम आज सोने में घर आए थे, बारिश हो रहा था। अच्छा, इसलिए हम सो गए कि उसमें क्या हो जाएगा। तो पर डे आप ही सोते थे? हाँ, सिर्फ कल नहीं सोए। परसों गए हैं वो लोग। परसों गए हैं? हाँ। अच्छा, कल आप नहीं सोए? हाँ। कितने सालों से इनके यहाँ दर्द काम कर रहे हैं? यहाँ 24 साल से। एमजीएम अस्पताल की दुर्दशा से सभी वाकिफ हैं। इधर मंगलवार को अस्पताल के ब्लड बैंक में हादसा टल गया, जब छत का एक हिस्सा टूटकर उस तरफ गिरा जहां कोई नहीं था। अपनी बदहाली के लिए मशहूर जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम के ब्लड बैंक में उस वक्त डॉक्टर और डोनर सहित करीब एक दर्जन लोग मौजूद थे, तभी छत का एक हिस्सा फॉल सीलिंग को तोड़कर नीचे गिर पड़ा। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। घटना से कर्मचारियों और डॉक्टरों में रोष व्याप्त है। आज लगभग 11:30 बजे के आसपास में हमारा डोनेशन रूम है, ब्लड डोनेशन रूम, उसमें काम भी चल रहा था, डोनेशन का काम चल रहा था। उसी के अपोजिट साइड में जिधर फ्रिज रखा हुआ है और कॉच भी है, तो उसके ठीक ऊपर में सीलिंग जो है उसका प्लास्टर टूट के गिर गया है और अच्छा खासा अमाउंट में गिरा है, हॉल सीलिंग को लेते हुए गिरा है नीचे। उसी वजह से थोड़ा सा जो है सो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। इस वजह से हम लोग तुरंत जो है इसका सूचना अधीक्षक महोदय को दे दिया गया है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि तुरंत जो है इस पर कार्रवाई करके काम करेंगे, ताकि इस वजह से जो है सो हमारे जितने कर्मचारी हैं जो काम करते हैं उन लोगों को भी भय है कि भाई कभी भी कहीं भी हो सकता है ये दुर्घटना। तो यही स्थिति है। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी संगठनों द्वारा 23 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर पहले भी कई आंदोलन होते रहे हैं, पर सरकार ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इधर कुर्मी सेना समेत अन्य संगठन 23 मार्च को झारखंड बंद का ऐलान किया है। कुर्मी विकास मंच के लालटू महतो ने बताया कि झारखंड बंद के अलावा आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। मोर्चा की सरकार बनी, आंसू की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोगों ने देख लिया किसी ने भी कुर्मी जाति को एसटी में पुनः शामिल करने को लेकर किसी ने भी इस बात को नहीं रखा, इसलिए हम लोग वह सारी कुर्मी जाति अब उग्र रूप ले चुकी है। 28 तारीख को हम लोगों ने एक सम्मेलन करके सरकार को चेताया था कि हम लोग को एक दो महीना के अंदर अगर कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर अगर बात नहीं रखा गया तो हम लोग झारखंड में एक छोटा सा एडवर्टाइज दिखाएंगे कि झारखंड बंद कराएंगे। अगर फिर भी हम लोग का बात नहीं माना गया तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए सारे कुर्मी जाति रोड में बैठ जाएंगे, रेल ट्रेन सब चीज़ हम लोग बंद कर देंगे और कोई भी खनिज पदार्थ हम लोग का झारखंड से बाहर जाने नहीं देंगे। हमको लगता है कि सारे जो खनिज का मेन उगलता है तो हमारे झारखंड उगलता है। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार अभियान में जोर शोर से जुटे हैं। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों का प्रचार अभियान चरम पर है। प्रत्याशी और समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आदित्यपुर में डिप्टी मेयर पद के कांग्रेस प्रत्याशी अंबुज कुमार पांडे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव 2018 में डिप्टी मेयर पद का प्रत्याशी हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और कांग्रेस पार्टी का मैं बरसों से सिपाही रहा हूँ। डॉक्टर अजय कुमार साहब का प्रतिनिधि हूँ, उनका सिपाही हूँ और यहाँ डिप्टी मेयर के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। आदित्यपुर का विकास हमारी प्राथमिकता है। उधर वार्ड नंबर 34 में पार्षद पद की प्रत्याशी सोना देवी ने विकास का अपना एजेंडा बनाया है। तो हम जरूर निकल जाएंगे, थोड़ा मेहनत। मैं पहले भी वार्ड पार्षद रह चुकी हूँ, दोनों को सहयोग कीजिए। तो हम नाला नल्ली एक पहले भी सामुदायिक भवन बना चुके हैं, अभी भी बनाएंगे अब नगर निगम चुनाव के लिए, और पहले भी खड़े हो चुके थे और अभी फिर सोचते हैं कि जैसे पहले सहयोग किए थे और अभी भी सोच रहे हैं कि वैसे ही खड़ा होके सब अपनी बहनों लोग को जो कमी है उसको पूरा करें और नाली नल आपका ये रोड नाली बिजली सबको पूरा करें
और जो राशन कार्ड वगैरह जो बहुत सा काम ऐसा है उसको हम पूरा करना। कैसा सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो बहुत अच्छा मिल रहा है और हम जीत भी रहे हैं। विकास कार्य को ही अपना मुख्य एजेंडा निर्दलीय प्रत्याशी राजू सरदार ने बनाते हुए जीत की उम्मीद जताई है। पैंतीस के पार्षद के पद के लिए खड़े हुआ हूँ और इसमें हमारे जो वार्ड है इनका विकास के लिए हमें काम करना चाहता हूँ। चुनाव निशान जो है बल्लेबाज है, बल्लेबाज छाप इनका करम नंबर 3 नंबर है। जीतते हैं तो हमारे बस्ती के विकास के लिए जितने भी काम हैं रोड का, नली का, साफ सफाई का और हमारे युवा पीढ़ी जितने हैं उनको रोज़गार देने का, गरीबों को राशन पानी दिलाने का और हमारे बच्चे को शिक्षित करने का सारे काम करेंगे। उधर वार्ड नंबर 32 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ी जानकी देवी ने कहा कि बरसों से कर रहे समाज सेवा को देख लोग उन्हें मतदान करेंगे। अभी चुनावी दौरा करके हम लोग बाहर से आए हैं जिसमें हम लोग को पता चला कि डी हुई हूँ और ज्ञानी देवी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जनता के मांग पर ही हम खड़े हुए हैं और अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। जब जाके जगह जगह अगर हम लोग वहाँ पर घर में घूमते हैं उससे वोट के लिए ये किए हैं तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग काम किए हैं चूँकि काम करते आए हैं तो समर्थन भी अच्छा मिला, सबका बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी मेरे साथ में सपोर्ट हो रहा है कि आने वाले समय अगर मौका मिलता है तो और भी काम करेंगे। जैसे सरकार से मिलने वाले जो सुविधाएं हैं जन जन तक नहीं मिलती है, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, इसको हम लोग चाहेंगे कि प्रत्येक महिला जो बुजुर्ग महिला हैं उनको दिलवाने का कोशिश करेंगे। कपाली नगर परिषद उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी सोनू सिंह को क्षेत्र की जनता का समर्थन मिल रहा है। कपाली नगर परिषद चुनाव में उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार सोनू सिंह ने कहा कि कपाली क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र बनाना उनका लक्ष्य है, साथ ही पेयजल समेत क्षेत्र में व्याप्त अन्य समस्याओं से जनता को निजात दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। शिक्षित, निष्ठावान और अनुभवी सोनू सिंह को क्षेत्र के लोगों का समर्थन भी प्राप्त है और उनके समर्थक घूम घूम कर प्रचार अभियान में जुटे हैं। कैसा हो? सोनू सिंह जैसा हो। आपका नेता कैसा हो? सोनू सिंह जैसा हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो एम्बुलेंस हुआ, यहाँ स्कूल का जो दिक्कत है और रोड नाली जो यहाँ पर कपाली क्षेत्र में अभी तक नहीं है, जैसे पानी का व्यवस्था जरूरी है, इसको हम लोग जल्द से जल्द लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे बस्ती का सहयोग इनका, पूरी बस्ती में मतलब ताजनगर हुआ जैसा हुआ सब जगह में, बीच में लाइट उठ की भी मैंने दिक्कत हुआ तो हमने जाके बोला तो इसने लाइट उठ के सबके मैंने नल वगैरह जो भी खराब हुई थी सब कुछ इन्होंने ठीक किया अपने से आके और मतलब किसी चीज़ का मतलब सहयोग बना रहा।